नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के प्रतापगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। वही संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने योगी और मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया है और पाकिस्तान के आतंकियों का घर में घुसकर सफाया किया है। प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर बढ़ने लगा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिकंदरपुर में अपनी जनसभा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की भरोसे को टूटने नहीं देगी। हमें कसौटी पर तोल कर देखें तो हमें वोट दे। कई दल बने और विलुप्त हो गए। नेताओं के झूठे आश्वासन से राजनीति में संकट पैदा हो गया था, अविश्वसनीयता छा गई थी। ऐसे में भाजपा ने चुनौती के रूप में लेते हुए उस धारणा को मिटाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत का मस्तक बीजेपी ने ऊंचा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव प्रचार अब शबाब पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां योगी के गढ़ को भेदने में लगी हुई हैं। इस दौरान सहजनवा विधानसभा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह लोग कभी धर्म के नाम पर लड़ा देंगे तो कभी जाति के नाम पर। उन्हें लगता है कि स्कूल और अस्पताल की बात कौन करता है। मूल रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं आप सबके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे सब लोगों को, परिवार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, नौकरियां मिलें, हमारे बिजली के बिल कम हों या जीरो हों। सब लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं, उद्योग चीनी उद्योग के लोग चाहते हैं, चीनी का गन्ना किसान चाहता है, सब चाहते हैं कि उनके भले की चीज़ हों। लेकिन विकल्प नहीं था। चुनाव जब भी आते हैं तो लोग तुरंत, लोग कहते हैं भाई हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे अस्पतालों का क्या हुआ, स्कूल का क्या हुआ। लोग कहते हैं बाद में बात करेंगे, पहले जाति पे बात करो, पहले धर्म पे बात करो। तो आज पहली बार एक पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के रूप में, जो करके दिखाया है दिल्ली में, शिक्षा पे काम करके दिखाया, स्कूलों पे काम करके दिखाया, अस्पतालों पे काम करके दिखाया है, नौकरियां दे के दिखाई हैं। तो ये काम उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने हमें विकल्प खड़ा किया है। मूल रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं आप सबके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे सब लोगों को, परिवार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, नौकरियां मिलें, हमारे बिजली के बिल कम हों या जीरो हों। सब लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं, उद्योग चीनी उद्योग के लोग चाहते हैं, चीनी का गन्ना किसान चाहता है, सब चाहते हैं कि उनके भले की चीज़ हों। लेकिन विकल्प नहीं था। चुनाव जब भी आते हैं तो लोग तुरंत, लोग कहते हैं भाई हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे अस्पतालों का क्या हुआ, स्कूल का क्या हुआ। लोग कहते हैं बाद में बात करेंगे, पहले जाति पे बात करो, पहले धर्म पे बात करो। तो आज पहली बार एक पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के रूप में, जो करके दिखाया है दिल्ली में, शिक्षा पे काम करके दिखाया, स्कूलों पे काम करके दिखाया, अस्पतालों पे काम करके दिखाया है, नौकरियां दे के दिखाई हैं। तो ये काम भाई। देवरिया के बरहज विधानसभा में सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया। रोड शो में सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा के लिए वोट मांगे। वहीं रोड शो के दौरान सांसद मनोज तिवारी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। मनोज तिवारी देखिए, पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार, मतलब भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र जो है, और आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्रामीणांचल से हैं और बॉलीवुड में भी अच्छी पहचान बनाई उन्होंने, राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार सांसद हैं। युवाओं में उनके प्रति बड़ा आकर्षण है और बरहज का युवा चाहता था कि मनोज तिवारी जाएँ, ज़्यादातर हम लोग उनको देखें और उनको सुनें समझें, इसलिए मनोज तिवारी जा रहे हैं और युवा लालायित है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक सभा को संबोधित किया। सदर विधानसभा के कांदरपुर गांव में
बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र मौर्य के पक्ष में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यहां उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा शासनकाल में बिजली नहीं आती थी, सपा शासनकाल में नहरों में धूल उड़ती थी, वहीं हमारी बीजेपी सरकार ने गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा हुई। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी। पत्रा बाजार में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन लोगों को सपने में भी भगवान याद आने लगे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने न्यायालय में मंदिर न बनने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया था, वो आज मंदिरों में जनेऊ लेकर घूम रहे हैं। नौजवान राम भक्त कहलाता है डंके की चोट पर, और गोलियों से भूना नहीं जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में लड़कर वो भी रहे हैं जिन्होंने एक वक्त पे राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज उत्तर प्रदेश में लड़कर वो भी रहे हैं जिनके खानदान ने कांग्रेस के सरकार के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन राम की लीला निराली है, राम की लीला निराली है। वो भक्त जिसको ताना कसते थे विपक्ष के दल, कहते थे कि भाजपाई तुम कहते हो कि मंदिर वही बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। तारीख बताने वाला पैदा हुआ तो गुजरात में हुआ, काशी का सांसद बना, अयोध्या गया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई। अगली खबर मथुरा से है, जहां दो दिन पूर्व दो समुदाय के लोगों में झगड़ा हो गया था। दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें चुनावों में नल पर वोट न डालने पर मारा पीटा गया। दलित परिवार की महिलाओं बच्चों का कहना है कि मुकदमे के बाद हमें रात में मारने की धमकी दी गई है, इसलिए हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पलायन की सूचना पर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। सीओ गौरव कुमार त्रिपाठी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को रोका। सीओ ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया है, लेकिन परिवार पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। घटना प्रकाश में आई थी और पीड़ितों के पक्ष से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के 329 से भाजपा व निषाद पार्टी ने विवेकानंद पांडे को विधायक पद का प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बताते चले कि विधायक प्रत्याशी विवेकानंद पांडे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे खड्डा विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही साथ विधायक प्रत्याशी विवेकानंद पांडे भाजपा सरकार के कार्यों व उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। विधायक प्रत्याशी विवेकानंद पांडे ने खड्डा विधानसभा के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि मैं आम जनता के सम्मान पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा और आपका भाई आपका बेटा बनकर सेवा इसी प्रकार से करता रहूंगा। कि हमारे जोन के हमारे विधानसभा के जो गन्ना अन्य किसी फैक्ट्रियों में जाती है वो खड्डा ही फैक्ट्री में दे, या तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए या नए कारखाना लगा के गन्ना की समस्या को दूर किया जाए। गंडक की जो समस्या है, गंडक में आपसे हम बताना चाहते हैं कि अन्य जगह की अपेक्षा हमारी सरकार इस क्षेत्र में बंधा पे दबाव भले बनता है लेकिन बंधा टूटता नहीं है। ईश्वर न करे कभी टूटे, और बंधा के लिए अस्थायी विकल्प किया जाएगा। जब अवसर मिलेगा तो एक प्लानिंग के तहत कैसे वो व्यवस्थित ढंग से और अच्छा हो, अभी तो सरकार 5 साल में जो किया बहुत बेहतर किया है, इससे बेहतर क्या होगा, या आम लोगों से राय लिया जाएगा, इंजीनियरों से राय लिया जाएगा, उस कदम में प्रयास किया जाएगा। वही
रोडवेज बस अड्डे पर सवारियों से जमकर अवैध वसूली का खेल जारी है। रोडवेज के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। चुनाव में रोडवेज बसों के लगे होने के चलते बसों की भारी किल्लत महसूस हो रही है। बसों की कमी का फायदा उठाकर डग्गामार वाहन मालिकों की भी मनमानी जारी है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों से 500 से अधिक रुपए वसूले जा रहे हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के फरुखाबाद बस स्टैंड का बताया जा रहा है, जहां पर रोडवेज बस में इस वक्त अवैध वसूली का खेल जारी है। ₹500 बता रहे हैं? हाँ, ₹500 बता रहे हैं। और वैसे लगता कितना है रोडवेज का? रोडवेज 387 रुपए लगता है ना। लखीमपुर खीरी जिले में कल मतदान होना है। लखीमपुर की राजापुर मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जिले की 8 सीटों हेतु कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कल चुनाव हेतु 1,645 मतदान केंद्र और 3,173 पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए हैं। कल 28,07,606 मतदाता इन केंद्रों पर 8 सीटों से 65 प्रत्याशियों का भविष्य तय करने वाले हैं। वहीं मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव जसवंतपुर में बुधवार को पुनर्मतदान होने वाला है। प्रेक्षक की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दे दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को प्रशासन दिन भर तैयारियों में जुटा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया है कि जसवंतपुर स्थित मतदेय स्थल संख्या 266 पर बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की थी। करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर, यहाँ पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तत्क्रम में करहल विधानसभा के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर कल दिनांक 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। वहीं फतेहपुर में 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्त हो चुका है। पुलिस अधीक्षक ने विधानसभा चुनाव में लगाए गए पुलिस बल के संबंध में बयान दिया। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो हमारी व्यवस्था फोर्स की हुई है, टोटल फोर्स हमारी जो लगी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और बूथ ड्यूटी, दो तरह से बंटवारा हुआ है, जिसमें 578 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और 5,651 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लगे हुए हैं और 4,099 होम गार्ड लगे हुए हैं। इसके बाद 84 कंपनी CPMF जो पैरामिलिट्री फोर्स और अदर स्टेट की फोर्स आर्म फोर्स होती है वो लगी हुई है। इसके अलावा एक कंपनी और 2 प्लाटून PAC भी लगी हुई है। इस तरह से पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है। 7,699 लोगों को रेड कार्ड भी दिया गया है और मैं समझता हूँ कि प्रिवेंटिव कार्रवाई अच्छी की गई है। 25,000 से ऊपर लोगों को पाबंद कराया गया है। जो हमारी व्यवस्था फोर्स की हुई है, टोटल फोर्स हमारी जो लगी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और सीतापुर में कल चौथे चरण का चुनाव होना है, जिसको देखते हुए सीतापुर के पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक RP सिंह व जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पत्रकारों को चुनावी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल सीतापुर में विधानसभा के 9 सीटों के लिए मतदान होना है। 3,870 बूथों के लिए लगभग 15,500 पोलिंग कर्मी और लगभग उतने ही 16,000 के आसपास पुलिस कर्मी आज यहां RMP ग्राउंड और से यहां से उनका प्रस्थान हो रहा है। जो भी सामग्रियां हैं, EVM हैं, वो उनको उपलब्ध करा दी जा रही हैं। बाकी जो कोविड किट है वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और यहीं से फिर सभी पोलिंग पार्टियों को बसों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थल के लिए भेजा जा रहा है।
146 कंपनी CAPF और कम से कम 30,000 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। सारे मतदान केंद्र CAPF से आच्छादित हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, सुपर जोनल मोबाइल, ADM एडिशनल SP, हम लोग सभी लोग मोबाइल रहेंगे। 8-8 की वार्टी हर थाना क्षेत्र में बनाई गई हैं और क्लस्टर मोबाइल भी बनाई गई हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। शांत व्यवस्था कायम रखते हुए निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर भोगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पूर्वांचल में चुनाव को भड़काने की तैयारी के लिए तस्करी कर लाई जा रही 20 पिस्तल सहित अंतर्राष्ट्रीय अवैध शराब तस्कर गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। राज बहादुर जो की आगरा कराने वाला और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार, ये मध्य प्रदेश भिंड कराने वाले हैं। सब ये ऐसा तस्कर गिरोह है जिसको दिल्ली पुलिस के ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्तल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों के पास से 20 कंट्री मेड जो पिस्तल बरामद हुई है और ये लेकर के पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गिरोह अभी पूछताछ जारी है, सप्लाई करने के फिराक में था, लेकिन बीच तलाशी के दौरान ये पकड़ लिए गए हैं। और इसे 2 एंड्रॉयड फ़ोन, 1 बोलेरो गाड़ी, साथ में 20 अवैध पिस्टल्स, 32 बोर की जो हैं और साथ में कुछ कारतूस, ये सब आज बरामद किए गए हैं। इनको फिर जेल रवाना किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पहले भी कई मामलों में इन्हें जेल भेजा जा चुका है। सर, ये खेप कहीं चुनाव से चुनाव को लेकर तो नहीं आई, इसकी खपत तो नहीं होनी चुनाव में? अब पूछताछ जारी है कि पूर्वांचल में किसी गिरोह को सप्लाई करने की प्राप्त थी। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। सिवान में भरने भूसे के कमरे में युवक का शव बरामद किया गया है। वहीं युवक के सर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। बता दें कि रात को युवक घर से किसी काम के लिए बाहर निकला था। लालगंज थाना क्षेत्र के खजूरी ग्राम में शव बरामद किया गया है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी के साथ पहुंचे डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आज थाना लालगंज क्षेत्र के कस्बा लालगंज के एक सिवान में विजय गुप्ता के खेत में बने कमरे में एक शव मिला, जिसकी शिनाख्त बसंत लाल गुप्ता कस्बा लालगंज के रूप में की गई, जो सब्जी का कारोबार करते थे। वो कल शाम लगभग 8 बजे घर से निकले थे। जिनका शव खेत में बने भूसे वाले कमरे में आज सुबह मिला, इस सूचना पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। मेरे द्वारा घटना के लिए अनावरण हेतु टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जहां दिन दहाड़े हथियार के बल पर महिला व उसकी पुत्री को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश 4 लाख नकदी जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर गाजियाबाद के SSP पवन कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। लगभग 5-6 लाख रूपए कैश है, 25-30 तोले सोना ले गए। कितने लोग आए थे, किस तरह से? 4 लोग अंदर घुसे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उन्होंने फिर बड़े बच्चे के वाइफ थे, उसको बंधक बना दिया और उन्होंने तोड़ फोड़ चालू कर दिया। कोई CCTV कैमरे वगैरह में क्या? CCTV कैमरे में कोई नहीं आता। अच्छा, क्या हथियार थे उनके पास? हाँ, 2 पिस्टल बता रहे हैं, 2 रिवॉल्वर जो बंदूक बता रहे हैं और 2 चाकू। ये निखिल भाटी, सन ऑफ गुलाब भाटी, इनके घर पे एक घटना हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 4 लोग आए थे दोपहर के टाइम पर इन्होंने, और लगभग 4 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी, जो अभी ये पूरी उसकी सूची प्रदान करेंगे, अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए हम इसको, इसकी लूट हुई है। घर में जो निखिल भाटिया, उनकी वाइफ और बच्चे मौजूद थे, उनको बांध करके ये घटना कारिज करना बताया गया है। सभी पहलुओं पर गहराई से उसकी छानबीन की जा रही है और जैसे कोई पता चलता है तो उसके बारे में बताया।
नगर निगम शहरी क्षेत्र में विकास कार्य जारी है। ऐसे में इन तमाम विकास कार्य को कराने के लिए नगर निगम को टैक्स की आवश्यकता होती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तो नगर निगम के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर टैक्स वसूलने की कवायद कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो लोग नोटिस भेजने के बाद भी टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं उन पर नगर निगम की तरफ से कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक गैर सरकारी आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर निगम का तकरीबन 80 करोड़ टैक्स बकाया है, जबकि सरकारी विभागों पर निगम का तकरीबन 108 करोड़ रुपए बकाया है। सीमा अंतर्गत जितने भी भवन बने हुए हैं, चाहे वो आवासीय भवन हो, गैर आवासीय हो, इंडस्ट्री हो, या राज्य सरकार की भवन हो या केंद्र सरकार की भवन, उस पर टैक्स का प्राविधान है और दिए गए नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार उन पर टैक्स आरोपित किया जाता है। टैक्स आरोपण के पश्चात जो है वसूली की कार्रवाई होती है। हमारे नगर निगम गाजियाबाद की टीम, जैसा यहाँ 5 जोन में यहाँ की जनता करदाताओं की सुविधा के लिए 5 जोन में बांटा गया है, और हमारे क्रमशः जैसे वसुंधरा जोन हो गया, कवि नगर, विजय नगर जोन और सिटी जोन और मोहन नगर जोन, इसमें अलग अलग जोनल प्रभारी हैं और हमारे टैक्स ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर्स वगैरह वहाँ तैनात हैं और जोनल स्तर पर कार्रवाई होती है। वहीं अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के ग्रीन गार्डन नामक गेस्ट हाउस के सामने शादियों में नेग मांगने जा रहे किन्नरों पर हमला हुआ है। अज्ञात युवकों ने किन्नरों के ऊपर हमला कर दिया। मौके पर फायरिंग करते हुए शातिर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग में एक किन्नर घायल हो गया है। घायलों को उसके साथियों ने इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरे मामले में पुलिस ने अपनी छानबीन को शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी है। हुआ ये, हम लोग रात को बारात लेने के लिए जाते हैं सब लोग, उस दिन भी कल बारात लेने गए हम लोग प्रिंस लॉज पे। हम लोग पहले वहाँ रुके, वहाँ हमने जांच पड़ताल करी वहाँ पे क्या है, बारात है क्या है, तो वहाँ बारात नहीं वलीमा निकला। फिर हम लोग गए शहनाज गेस्ट हाउस में, शहनाज गेस्ट हाउस के सामने है एक ग्रीन गेस्ट हाउस। ग्रीन गेस्ट हाउस पर जब हम उतरे ना, तो जैसे हम सब लोग उतरे लॉज की तरफ, वहाँ पे भी वलीमा था, तो हम रोड क्रॉस करने के लिए जा रहे थे कि शहनाज गेस्ट हाउस में बारात लेने जाएँ। तो जैसे फिर जैसे रोड क्रॉस कराए हमने, तो दो बंदे आए बाइक पे, उन्होंने क्या नाम है वो अपनी गन निकाली और गन निकाल के और फायर छोड़ दिया। हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, हम सोचे। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां गाजीपुर गांव के पास बदमाशों ने HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। ये कंपनी बाग में, वहीं पर एक HDFC में फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, वहां से काम करके आ रहे थे। करीब 7:30-8 बजे निकले होंगे और जैसे ही वो रसूलपुर थाना पार करते ही बसई महमदपुर के बॉर्डर पहुँचे हैं, वहाँ पर पीछे से अज्ञात लोगों ने फायर किया जिससे घायल हो गए। इनको हॉस्पिटल आगरा रेफर किया गया है। इसमें कई टीमें बनाकर जो CCTV फुटेज हैं रास्ते में देखे जा रहे हैं, सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है, फिल्म भी मौके पर आ गई है, 2 टीमों की और गठन कर दिया गया है, जो जहां काम करते थे वहां से लेके इनके मूवमेंट के आधार पर संपर्कों की तलाश करके मोटिव की जानकारी, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि फायर करने का ही इशू था, तो किस वजह से है सब जानकारी करने के लिए, क्या वजह हो सकती है सब पता करने के लिए टीमों गठन कर दिया गया है और सब कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।